हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एडुटेरिया बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, पावे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पावे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब एक में दिया गया लेक्स लोकी अधिनियम, तो लेक्स लोकी अधिनियम जो है कब हुआ था? तो दोस्तों 1850 में। ठीक है, बंगाल टेनेंसी अधिनियम जो है 1885 में हुआ था। ठीक है, और आयु की सहमति अधिनियम 1891 को हुआ था, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 में हुआ था। ठीक है, 1904 में। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो दोस्तों बताना है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन टी की घटना जो है कब घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1773 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ था, तो किसके द्वारा जो है चलाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैऊर किस लिए प्रसिद्ध था? तो संगम युग में उरैऊर जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब दोस्तों सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया गया है। सूची 1 में दिया गया दोस्तों फतह उल सलातिन, तो फतह उल सलातिन जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा अब्दुल मलिक इसामी से। ठीक है, तो इसका 2 हो जाएगा, फतह ए फिरोजा शाही फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, तारीख ए फिरोज शाही जयाउद्दीन बरनी से संबंधित है, और खजैन उल फतह जो है अमीर खुसरो से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध मराठी उपन्यास जो मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शिवाजी सावंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब हुआ था दोस्तों? तो 1764 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो जहांगीर ने जो है किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो दोस्तों बताना है कि गजनी का सुल्तान महमूद जो है किस चोल राजा के समकालीन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो है किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो अंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो है किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विजयनगर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु जो है कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1227 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो दोस्तों बताना है कि गिजाली जो है किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपाती प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित तो होता है, इसका निहितार्थ है कि?
तो दोस्तों इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन में दिया गया दोस्तों, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो ये दोस्तों सही है। दो में दिया गया है, कानून निर्माण में हन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये भी दोस्तों सही है। तो बताना दोस्तों कि नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, एक और दो दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 313, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनवीकरणीय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे जो है विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरदन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नरमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को व्यर्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो तीई पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नागालैंड राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों बताना है कि कोयला का जलना जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फ्लाई एश प्रदूषण होता है, तो फ्लाई एश प्रदूषण होता है किससे होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ताप विद्युत संयंत्र से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों सोडियम बेंजोएट दिया गया है, तो सोडियम बेंजोएट जो है फलों के रस का परीक्षण से संबंधित है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित है। नाइट्रिक अम्ल से जो दोस्तों रासायनिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, ठीक है, 1342। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन की संश्लेषण में किया जाता है? तो दोस्तों बताना कि कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जाइलम परेंकियामा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो दोस्तों बताना कि निम्नलिखित में से जो है किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में जो है डीएनए होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सूत्र कणिका, केंद्रक और हरित लवक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन जो है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, तो किससे होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक कोशिकीय युग्मनज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एजोला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नेपेथिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है सहजीवी संबंध को दर्शाता है?
तो कौन जो सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, काई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो कौन सी विधि जो राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वितरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो अपने निवेश के बदले में जो है एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाभांश एवं बोनस शेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण में शामिल है, तो क्या शामिल है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी दोस्तों नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों परिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक कथन में दिया गया दोस्तों, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये दोस्तों सही है। दो कथन में दिया गया, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, ये भी सही है। तो बताना इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध बताना किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ठीक है, और कुचिपुड़ी कहाँ के यानी किस राज्य के लोक नृत्य है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताना है दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की घटना हुआ तो पहला तीन हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों प्रोटॉन की खोज हुआ, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुआ, और उसके बाद दोस्तों पाई मोसोन की खोज हुआ। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में जो है हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेद अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो दोस्तों बताना है कि राजा ललितादित्य ने जो है किस राज्य पर शासन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सैर ए गुल फिरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सैर ए गुल फिरोसा त्यौहार का आयोजन जो है कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 17 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीग्रोवा कहा था? तो किसने कहा था पोलीग्रोवा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेगा अस्थिंज ने कहा था। और दोस्तों मेगा अस्थिंज के द्वारा जो है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा लिखा गया था? इंडिका बुक। ठीक है, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्लूटूथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जन मैकार्थी को कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ स्मरणीय तथ्य है जो ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिया गया दोस्तों, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगन से हुआ था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। शिवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ पर था? तो मोहनजोदड़ो में। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ कहाँ से? तो धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो तीन भागों में विभक्त था ये जो है भी धौलावीरा में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।